एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है बिजनेस इट मीन लाइफ थ्री लाइफ के सारे को हमने कवर किया एंड ट्वेंटी ट्वेंटी हमने वही बातें करें कि क्या आपके लाइफ में आपने अपने लाइफ को overall, देखा है तो अक्सर हम लाइफ को एक ही ट्रैक में जीते सो वी हैव सो वी कैन लिव ऑन और जितना जिएंगे उतना हम अपनी लाइफ को थ्री सिक्सटी जिये तो इस तरह बिजनेस को भी 360 देखना है कि बिजनेस मतलब क्या है नहीं तो हमें बिजनेस में जब क्लैरिटी नहीं होती तो हम उसमें एक्शन भी सही नहीं ले पाते आपको लाइफ में मालूम पड़ गया कि ये वन टू थ्री फोर फाइव से चीजें हैं तो एटलीस्ट यू नो किस में क्या काम करना है किस में क्या कमी रह गई है तो लेट्स हैव द क्लैरिटी ऑफ बिजनेस थ्री सिक्सटी बिजनेस रन कौन करता है हु स्टार्टेड द बिजनेस दिन अभी यह कौन है आप तो ये के पास क्या होना चाहिए विजन पर्पस वैल्यूज आइडियाज पैशन आंट्रोप्रनर के पास जबरदस्त जज्बा जुनून पागलपन होना चाहिए ही शुड बी लोडेड विथ दैट बिकॉज जितने लोग उसके पास आएंगे ये बात ध्यान रखो इस बात के आप चाहो के भी अनजाने में भी आप करोगे आपके पास आपसे ज्यादा लेवल का जुनूनी इंसान नहीं आएगा आपके काम को लेके उसका जुनून आपके बराबर होगा या आपसे कम होगा लेकिन आपसे ज्यादा जुनून का इंसान बहुत ही कम मिलेगा तो जब आपसे कम इंसान कम जुनूनी इंसान आपसे मिलेगा तो वो जाने अनजाने में क्या करेगा आपका लेवल जुनून का इधर है उसका लेवल जुनून का इधर है वो क्या करेगा अनजाने में वो चूसेगा आपके जुनून को कम करेगा और अगर आपका जुनून ऑलरेडी नीचे है वो आपसे दरिद्र इंसान और नीचे मिलता है तो फिर बोलते हैं ठाकुर ने शोले का इडाल तो वी हैव टू क्रिएट जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट हैव टू क्रिएट तो वी से ऑर्गेनाइजेशन हम अपने से नीचे लेते हैं फिर वो नीचे लाता है फिर वो नीचे लाता है ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशन छोटी 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 होती रहती है हमें लगातार अपना लेवल ऊपर रखना है और लगातार ऊपर लेवल के लोगों को हायर करना है तो जितना हम ऐसा ऊपर जाएंगे हम ऊपर के लोगों को लाएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर ऊपर के लेवल के लोग लाएंगे तो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है जब हम अपना लेवल नीचे लाएंगे तो हम अपने से नीचे लेवल का लेके आएंगे फिर वो अपने से नीचे और लेके आएगा फिर उसके नीचे और नीचे लेके आएगा फिर हमारी डॉफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है so so उसको अपने लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा जस्ट टू मूव ऑन टू द लीडरशिप साइड कि एक ऑंट्रोप्रनर एक एंटरप्राइज और एक ऑन्ट्रप्रनरशिप के बीच में लीडर आता है और लीडर आप और में है एंड मिथ होती है कि बाय बीइंग एन ऑन्ट्रप्रनर या बाय बीइंग अ बिजनेसमैन आप अच्छे लीडर होते हो ये मिथ है लीडर को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा देर इज नो एस्केप फ्रॉम इट तो लेट्स गेट अ फ्यू डेफिनेशन राइट एंड मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं ये कौन है बंदा मैं मुझे अपने लोगों का नाम नहीं बताना ये आइटम कौन है जिसको हम पगार देते हैं <laughs> दुखी हो <laughs> जिसको हम पगार देते हैं ये इंसान कौन है जो हमारा दिया हुआ काम पूरा करता है फिर हम उसको पगार देते हैं ओके okay, ठीक है जिससे हम पैसा कमाते हैं अरे वाह ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ दर्गेनाइजेशन ये यही बोलते हो कि संतोष हम भी बोलते हो

उसके जॉब प्रोफाइल का होगा का या काम उसको किसी उसके लीडर ने उसको काम दिया हुआ बट उसका काम है जैसे ऑफिस आता है ही चेज इज वर्क। उसका और कोई काम नहीं ये आइटम कौन है चीज चेजिंग एन एम्प्लॉय। क्या नाम है उस एम्प्लॉय का जो चेज कर रहा है आजकल तुम सो ही इज चेजिंग एम्प्लॉय ही इज चेजिंग एन आउटकम हाउ जो डिजाइन करता है काम को ही इज अ वन हु विल चेज एन आउटकम नॉट्स एन आउटकम आउटकम क्या होता है आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ मेनी आउटपुट्स मेनी आउटपुट्स, नॉट इनपुट्स। आप इनपुट देते हो फॉर एग्जाम्पल आपने टीम को हायर किया उसको पगार दी इनपुट उसने काम किया आउटपुट उस टीम ने काम किया आउटपुट आपने पगार दी इनपुट जगह दी इनपुट आपने उसको सिस्टम दिया इनपुट आपने ईआरपी लगाया ऑफिस में वो क्या है इनपुट आउटपुट इनपुट उससे कुछ आउटपुट हुआ आपने सेल्स का बना रखा इनपुट उसने कुछ सेल्स लाया आउटपुट आपने एक ऑफिस खोला इनपुट उस ऑफिस के थ्रू कुछ और एक आपका एक जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया आउटपुट ऐसे बहुत सारे आउटपुट सेल्स के प्रोडक्शन के परचेज के सारे आउटपुट लेके बनता है आउटकम नाउ यू इट आउटपुट और आउटकम आउटकम में फर्क क्या है आउटपुट इज बेस्ड ऑन इनपुट आउटकम इज मेनी आउटपुट्स टुगेदर फिर आउटकम निकलता है आप लोग क्या चीज कर रहे हो आउटपुट और आप लोग मिस कर रहे हो आउटकम तो हम उस इंसान को हमने काम दिया हम उसका आउटपुट चेज कर रहे तूने किया क्या हम उसमें अटके हुए और उस चक्कर में जो बड़ा आउटकम है जो हमारी कंपनी के द्वारा होना चाहिए वो आउटकम हम मिस कर रहे हैं एन ऑन्ट्रपुनर सपोज टू चेज एन आउटकम आउटकम इज द इंपैक्ट विच यू वॉन्ट आउटकम इज द ज इज द बिहेव विच यू हैव आउटकम इज दिजन विच यू हैव दट्स आउटकम और वो आउटकम आएगा बिकॉज मैनी आउटपुट आ कमिंग मेनी 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 आउटपुट आ कमिंगट्स वन ओहो ये बच्चा कौन है वन हु इंस्पायर्स ओके हांजी ही गिव्स अ डायरेक्शन टू दर्गेनाइजेशन ठीक है ठीक है, देखो ये काम को चेस कर रहा है ऊपर वाला नीचे वाला आउटकम को चेस कर रहा है ये क्या चेस कर रहा है ये भी कुछ चेस तो कर रहा है ना कंपनी के अंदर इज चेजिंग दी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हमारे केस में हम ही लीडर है और हम ही आंसर बन रहे तो हम पर्पस भी चेस कर रहे हैं और हम आउटकम भी चेस कर रहे सो आर चेजिंग बोथ अ लीडर हैज टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन अ पर्पस अगर हम पर्पस में कमजोर हो गए तो हमारे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारी हरकतें वीक हो जाएंगी एंड फिर एक्शन वीक द टीम विल नेवर बिकम स्ट्रांग द इंजन हैज बिकम वीक यू गॉट यू गॉड है वेरी स्ट्रांग क्लैरिटी अबाउट द पर्पस एंड डे इन एंड डे आउट यू विल विलस्यू यू विल चेज योर पर्पस जिसका मकसद वीक हो जाता है लीडर का वो फिर डायरेक्शन से भटक जाता है सो यू आस्क आई एंटर माई ऑफिस When you enter your factory, you enter your, your business premise, you enter your shop, you enter your showroom, are you very clear about the purpose? And if you're not very clear about the purpose, then you will be very clear about the outcome. Sorry, output. आप जाते ही कहोगे इसने ही करना था इसने ही करना था इसने ही करना था इसने नहीं किया तो फिर आपकी सारी एनर्जी सारा फोकस सारी ताकत सारा आपका जोश जुनून वो आउटपुट निकालने में लग गया और आपका पर्पस कहीं रह गया आउटकम कहीं रह गया so many of us go blind about a purpose to our office and it has to be everyday affair a leader cannot escape from having a very strong purpose bodzaruhi Sir, hum hai ye. who's a self-employed guy chasing money Self-employed. Last time when I was there with uh, uh, Sanjay Gorabat, when he came, I shared about five mistakes which a self-employed person does. Right? I spoke out five mistakes. Hello? When yes, yes. <laughs> I spoke on those five mistakes. It's a video there on the, on the social media. You can go through that. सो कैसा एक इंसान फ्रॉम अ सेल्फ एम्प्लॉयड ही कैन मूव ऑन टू बिकमिंग एन ऑन्ट्रपुनर ये ऑन्ट्रप्रनर नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड ये सेल्फ एम्प्लॉयड है ये भी काम को चेस कर रहा है फर्क इतना है इसके और एम्प्लॉय के बीच में कि एम्प्लॉय का पैसा एक मालिक देता है ये खुद का पैसा खुद देता है बस इतना ही फर्क ये भी काम ही चेस कर रहा है ये भी काम ही करने आता है जैसे एम्प्लॉय काम करने आता है ये भी काम करने आता है लेकिन ये खुद को पैसा देता है एम्प्लॉय को पैसा उसका बॉस देता है इतना ही फर्क है क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है यू हैव एम्प्लॉयड योर सेल्फ आपने खुद को काम दे दिया आप किसी के का अंडर काम नहीं कर रहे हैं, आपने खुद को काम दे दिया और जब इस सोच से आप जाते हो बिजनेस के अंदर कि आपने खुद को काम दिया तो आपका 24 घंटे मन में क्या चलते रहता है कि मैं खुद को और काम कैसे दूं खुद को और काम कैसे दूं खुद को और काम कितना दूं और आपका पैसा बनाने का तरीका क्या होगा टू टेक समबडीज वर्क एंड डू दैट वर्क एंड नॉट पे पर्सन सैलरी तो फिर इसलिए आपके घंटे बढ़ जाते हैं काम के इसलिए आपका संडे चले जाता है बिकॉज आपने आदमी नहीं रखा आपने उस आदमी का काम किया और आप थके हारे आते हो और ऐसे बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का डायलॉग क्या होता है को तो काम करना पड़ता है तो फिर वॉचमैन का भी खाली है जॉब तो वो भी कर ले उसकी भी पकड़ बच जाएगी घर क्यों आता है रात को नाइट वॉचमैन बन जा पंद्रह वो बच जाएगा वो भी चेक घर ले आए कर अपने पास तो इसकी सोच पैसा कमाने की होती है कि मैं किसका काम और कर लू एंड इसका फेवरेट डायलॉग होता है मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता बिकॉज ही इज ही इज चेजिंग वर्क एवरीथिंग स्टॉप सेट हिम नाउ वी गॉट टू अंडरस्टैंड आप इस चारों में से आप कहां जाना चाहते हो हां जी एवरीबडी विल से लॉजिकली सेकेंड एंड थर्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई शुड बी एट सेकेंड वे डू वी वे डू थिंक मुकेश अंबानी वुड बी सेकेंड इज एन ऑन्ट्रप्रिनर ऑन्ट्रप्रिनर इन्वेस्ट इन हिस्स बिलीफ और वो क्या करता है उसका काम हायरिंग का किसका होगा वो किसको हायर करेगा लीडर्स को भाई ये फैक्ट्री में लगा रहा हूं ये दस हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है चलो भाई तुम आ जाओ एंड ही हायर लीडर हु दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इन्वेस्ट दैट टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फोर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज इज एन ऑन्ट्रप्रनर हम जो है ऑन्ट्रपुनर भी हैं और हम लीडर भी हैं एक समय आएगा और आना चाहिए मैं विश करता हूं कि ऐसा हो आपकी लाइफ में वेर यू जस्ट रिमेन एन ऑनट्रपिनर एंड यू हैव लीडर्स तो लीडर्स की फौज इकट्ठी हो जाए

सेल्फ एम्प्लॉइड कौन होता है इसके लिए पीपल वर्क फॉर हिम डी डोंट वर्क विद हिम सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान के लिए लोग काम करते हैं लोग साथ में काम नहीं करते उसका विजन इज लिमिटेड टू हिम सेल्फ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैज अजन फॉर हिज ओन लाइफ हिज ओन बंगला हिज ओन गाड़ी ओन ऐशोराम जिंदगी एंड ही डजन है ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जब आपका विजन आपके लिए है तो फिर आप अपनी टीम को बता पाते हो क्या देन दैट विजन रिमेन्स टॉप सीक्रेट क्योंकि आपने कहा मेरी विजन मेरी कंपनी का है कि वी शुड गो फ्रॉम टेन करोड से ट्वेंटी करोड़ लेकिन सबको मालूम है वो ट्वेंटी करोड़ किसको चाहिए आपकी टीम के हर एक आदमी को मालूम होगा वो ट्वेंटी करोड़ किसको चाहिए बॉस को चाहिए और तुम्हें भी मालूम है इनको मालूम है कि मुझे चाहिए तो तुम क्या करते हो ट्वेंटी करोड़ का विजन टॉप सीक्रेट रखते हो लेकिन अगर टीम के साथ शेयरिंग करी आपने दैट वी हैव अ विजन विच वी ऑल विल चेस टुगेदर एंड वी हैव टू मूव फॉर दैट विजन फ्रॉम टेन करोज ट्वेंटी करोड क्योंकि ट्वेंटी करोड आएगा तो हम ये ऑफिस लेंगे हम ये सेटअप करेंगे हम ये मशीन लाएंगे हमें फैक्ट्री बनाएंगे हम ऐसा सा काम करेंगे नाउ यू विल हैव मोर पावर टू शेयर दैट विजन विद योर टीम और फिर आपकी टीम उस विजन को चेस करने के लिए सक्षम होती है लेकिन कोई भी टीम आपका सपना चेस करने के लिए सक्षम नहीं होती सर सो नेवर मेक अदर पीपल चेज योर ड्रीम विच इज फॉर यू लेट देम चेज अ ड्रीम विच इज देयर ड्रीम ऑल्सो क्योंकि उसके कुछ समय बाद वो दिमाग इस्तेमाल करना चालू करेगा कि यार ये बॉस भगाता है लेकिन इससे क्या हो रहा है ये तो अपना घर बना रहा है ये तो अपनी गाड़ी ला रहा है ये तो अपने रहन सहन अच्छा कर रहा है मेरा क्या एंड देन फिर वो कट टू कट काम करता है वो कट टू कट जब काम करता है तो उसके मन में बात आ गई है कि मुझे इतना ही पैसा मिलता मैं इतना ही करूंगा इफ यू वॉन्ट मी टू वर्क बियॉन्ड इफ यू इफ्ट मी टू वर्क एट टेन ओ क्लॉक यू वॉन्ट मी टू वर्क इन द मॉर्निंग यू वॉन्ट मी टू वर्क डे एंड डे आउट देन आई शुड फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ दट विजन एंड मेनी ऑन्ट्रप्रनर्स फेल टू क्रिएट अर शेड विजन द विजन इज ओनली फॉर दम सो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने लिए विजन बनाता है उसकी लाइफ जो होती है खिंची होती है ही स्प्रेड टू टू मच फॉर इज ओन कंफर्ट सुबह से लेकर रात तक ही इज बिजी पैक्ड 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 दर इज नो जॉय देर इज नो एक्साइटमेंट इन लाइफ हिज सेंस ऑफ मेकिंग मनी इज कीपिंग हिमसेल्फ बिजी हिज लाइफ इज नॉट अ ग्रेट लाइफ द रीजन फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस वॉज मनी एंड द रीजन फॉर डूइंग बिजनेस इज स्टिल मनी ही इज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट इसमें अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर ओनर रिटायर करता है एंड ही डिसाइड्स दैट आई शुड और शायद ही अवे और ही डिसाइड्स टू टू रिटायर व्हाट विल हैपन द बिजनेस बिकॉज ही वाज द बिजनेस ही डिड नॉट सी लाइक भारती सेड ही डिड नॉट सी बिजनेस एज सेपरेट एंटिटी ही सॉ बिजनेस एज हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ एंड वॉट काइंड ऑफ एन इको विल बिल्ड अराउंड हिम हिम्म जी

बट टूगेदर in, 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 in हम लोग एक बिजनेस को चालू करते हैं ऐसा करके बिजनेस चालू किया फिर एक कॉमन विजन पे आए कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए एंड नाइनटीन एटी नाइन पे आपने वो कहानी सुनी होगी विच मिस्टर मूर्ति सेनी टाइम्स दैट हम लोग इतना मुश्किल में आ गए कि हमने कहा यार अभी हो गया लेट्स uh, क्विट और एक ऑफर आया टू सेल द कंपनी फॉर वन मिलियन डॉलर इन नाइनटीन एटी नाइन तो ये लोग 1981 से काम करते 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 1989 में आए इन्होंने लाइफ में कभी इतना पैसा देखा नहीं था सारे नौ के नौ डायरेक्टर्स ने सो दे ऑल केम एंड सेट टू मिस्टर मूर्ति कि सिंस यू आर द लीडर तो ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं लेट्स एग्जिट इससे अच्छा ऑफर क्या मिलेगा तो नारायण मूर्ति ने बड़ा समझाया बड़ा कहा कि भाई ये सुनो इट्स इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे का तुम मत बेचो ये लोग कोई मानने को तैयार नहीं बिकॉज वन मिलियन डॉलर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मत दस लाख डॉलर की बात कर रहे हैं हम नाइनटीन में फाइनली मिस्टर मूर्ति ने बोला उन सबको तुम मुझे अपना शेयर बेच दो आई विल पे यूनवर आई कैन बट डोंट सेल द कंपनी गिव इट टू मी जब उन्होंने देखा कि ये इंसान जो है ये तैयार ही नहीं है बेचने को फॉर्चुनेटली दे रिलेटेड ठीक है हम नहीं बेचेंगे अगर उन्होंने उस समय कंपनी बेच दी होती वन मिलियन डॉलर में तो आज की इन्फोसिस कहां से बनती सो वॉट मिस्टर नारायण मूर्ति डेड ही क्रिएटेड एन इकोसिस्टम of people around him of leaders he created an ecosystem where 10 became 20 20 became 200 200 became 2000 2000 became 2 lakh ek acha ecosystem banaya of doing business in a certain way ab ye narayan surti ek aur entrepreneur usi ke samay ke इन्होंने कहा यार मैं अपना business करूंगा मेरे पास दो लोग हैं और उन्होंने उस दो लोगों को partnership में नहीं लिया उनको उन्होंने एम्प्लॉय बनाया और अच्छा काम किया इनको ऑर्डर आए उन्होंने एग्जीक्यूट किए फिर और ऑर्डर आए फिर और एग्जीक्यूट फिर उन्होंने दो तीन लोग और रखे बट ही डिड नॉट क्रिएट एन इको इन्होंने अपने आप को बहुत मेहनत करी लेकिन उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई उन्होंने अपने उस वन रूम अपार्टमेंट में काम करते रहे करते रहे करते रहे मिस्टर सूरती बढ़िया काम करते रहे लेकिन इन्फोसिस नहीं बना पाए बिकॉज ही डिड नॉट क्रिएट एन इको सिस्टम द लॉर्ड ऑफ मिस्टर सूर्ती इज एन इमेजिनरी नेम जो मैंने अभी लिया ऐसे कोई हेड ढूंढना मत नेट में जाके ये नारायण सूर्ति कौन है आई एम जस्ट सींग हीसो बीन नारायण सूरती नारायण मूर्ति नारायण कि अकेले काम कर रहे हैं अपना बिजनेस चला रहे हैं जितना वो कर सकते हैं उतना पैसा आ रहा है ट्रबल ऑफ हायरिंग एंड लूजिंग पीपल ही टू टेक सम मनी ही तो ये बड़ा जरूरी है समझना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड हुई बिकॉज कहीं ना कहीं उस ऑन्ट्रप्रनर ने सेल्फ एम्प्लॉयड जीने का रास्ता छोड़ा और एक ऑन्ट्रप्रिनर बन गए